हेलो हेलो चीक हेलो 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 चीक हेलो 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 चीक हेलो हेलो। दोस्तों ये बोर्ड आप जो हमारे पास देख रहे हैं दोस्तों, ये बोर्ड हमारे माइक चलाने के काम में आता है दोस्तों। इसकी हमारी यहाँ इसमें दो आईसी हमारे इसमें यूज करी होती है। इसके आपको पास से यहाँ पे नंबर दिखाना चाहूंगा आप दोस्तों, आईसी पे नंबर आप चेक करना इसमें, अगर आपको नहीं दिख रहा हो 2399 आईसी का नंबर, ठीक है दोस्तों। इसकी जो आईसी में जो दोस्तों नंबर आपको क्लियर नहीं दिख रहे हो तो दोस्तों 2399 आईसी है ये वाली दोस्तों, 2399 आईसी है दोस्तों। ये वाली हमारी 4558 दोस्तों आईसी, तो दोस्तों ये वाली आईसी होती है जो बेस को फिल्टर ज्यादातर करती है। आप देखना जो बेस फिल्टर करती है उन्हीं में ये आईसी का यूज ज्यादा करा जाता है। और इस वाली आईसी का काम होता है ई को वगैरह सेट करना, जैसे ई को रिपीट वगैरह, इस आईसी से हमारा ई को रिपीट वगैरह हमारा इससे निकलता है दोस्तों। तो इस प्लेट को हम, सबसे अच्छी बात इस प्लेट में ये होती है दोस्तों, आपको इसमें 12012 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें प्लेट को चलाना है तो उसमें दोस्तों 12 वोल्ट हम तार दे देंगे, माइनस प्लस अगर हम 12 वोल्ट देंगे तो ये दोस्तों उससे हमारी प्लेट आराम चलेगी। जैसे अगर आप इससे 4440 में अगर माइक चलाना चाहते हो तो 4440 में भी आपका इसमें माइक चलेगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर पे इस दोस्तों इस प्लेट को आप आराम से चला सकते हो दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हर तरह के माइक आप इसमें ला सकते हो दोस्तों। इसमें हमें चार पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 चार पॉइंट हमें मिलते हैं जिसमें आप इसे चार माइक से कनेक्ट कर सकते हो आराम से। और इसमें दोस्तों दो आउटपुट होते हैं। इसके हम इसके कनेक्शन की बात करें दोस्तों, मैं इसके कनेक्शन आपको समझाऊं किस तरह करने आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा एल आउट, तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों हमारी ऑडियो 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, 12012 का। जैसे आप दोस्तों 4558 आईसी वाला हो गया ट्रांजिस्टर दोस्तों, या कोई दूसरी आईसी वाला हो गया, जैसे अनदर कोई आईसी में आपको ग्राउंड वायर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसमें आप इसमें ग्राउंड वायर के में कनेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके दोस्तों उसमें आप तीन स्लॉट देख रहे हो, ए वाला 1 2 3। तो दोस्तों ए वाला आप जो स्लॉट देख रहे हो दोस्तों, ए वाला होता है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड आप इसमें लगा सकते हो। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बात रिकमेंड करूंगा, आप इसे 12 वोल्ट से आप इसे डायरेक्टली ऑपरेट कर दीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंडेंसर देख रहे हो दोस्तों, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है दोस्तों। यहाँ पर आप डायरेक्टली माइनस प्लस यहाँ पर आप दे सकते हो 12 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप माइनस प्लस 12 वोल्ट देके और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 वोल्ट माइनस प्लस देना है। और यहाँ से आप जो एम्पलीफायर की जो दोस्तों ऑडियो होती है, जैसे कि हमारी इसमें हम एम्पलीफायर से जो दोस्तों हमारी ऑडियो निकलती है, जो हमारी वापस दोस्तों ऑडियो निकलेगी दोस्तों, चाहे आप उसे कनेक्टर के थ्रू, जैसे ये वाली पिन, चाहे आप उसे इस तरह से अटैच करके आप उसे आराम से चला सकते हो दोस्तों। मेरे पास ये है, अगर आपके पास डायरेक्ट ही है तो आप डायरेक्ट इसे यूज कर लीजिए दोस्तों। मेरे पास माइक के लिए ही है इसलिए दोस्तों, आप ये देख रहे हो दोस्तों, ये मेरे पास 12 वोल्ट के ही वायर हैं दोस्तों। आप ये है प्लस और ये है माइनस, मैं आपको दोस्तों चेक करा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे मीटर से दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे 20 वोल्ट पे सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पर हम चेक करा दे, ये दोस्तों आप लोग देख रहे हो 11 वोल्ट हमारे निकल रहे हैं दोस्तों। तो हम इसे डायरेक्टली हम 11 वोल्ट ही हम इसे देंगे। अब इसे हम इधर कर देते हैं और इसका जैसे ये वाला हो गया हमारा इसका दोस्तों, जैसे कंडेंसर का ये वाला मैंने आपको बोला था दोस्तों, ये वाला हमारा इसका प्लस है, इस साइड वाला प्लस, इस साइड वाला माइनस, जो आप सफेद सफेद देख रहे हो वो हमारा माइनस दोस्तों। यहाँ पर हम अपना लगा देंगे प्लस, और ये वाला हो गया हमारा दोस्तों माइनस, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप दोस्तों आराम से लगा सकते हो दोस्तों ये। अब हम यहाँ पर अपनी देंगे ऑडियो, ऑडियो का हमें किस तरह से देनी है तो दोस्तों उसके लिए हमें एक सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। सॉकेट हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमें दोस्तों इस तरह के सॉकेट की जरूरत पड़ेगी जिससे हम ऑडियो देंगे इसमें। तो दोस्तों हमारा पर्पल वाला ग्राउंड है दोस्तों, हमारा ग्राउंड वाला है। आप ये वाली पेन देख रहे हो दोस्तों, ये वाली हमारी हो गई इसकी ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। ये वाला ग्राउंड हो गया दोस्तों और ये वाला हमारा इधर लगेगा दोस्तों। इस वाले को दोस्तों हम इधर लगा देंगे दोस्तों, ये सिंपल ही हमारे यहाँ पर कनेक्शन होगा दोस्तों। जैसे कि आपको बोला था वैसे ही हमें उस तरह से यहाँ पर कनेक्शन कर ली। अब हम दोस्तों इसका साउंड टेस्ट करके आपको यहाँ पर चेक कराएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा माइक लाएंगे और यहाँ से अपनी वॉल्यूम वगैरह कनेक्ट करके उसके बाद हम इसका चेक करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना माइक इसमें अटैच, जैसे कि हमारे पास ये वाला माइक है दोस्तों, ये वाला माइक हम दोस्तों इसमें लगा लेंगे इस तरह से, ये हमारा लग गया दोस्तों। हम इसमें माइक भी चेक करेंगे, उससे पहले हम इसमें ऑडियो देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जैसे कि दोस्तों हमारे ऑडियो की पिन है, देखो दोस्तों इसमें हमारी ऑडियो आ रही है, ठीक है दोस्तों। इसकी ये वाली हमारी इसमें ऑडियो आ रही है, ये वाली हम इसमें लगा देंगे। और अब हमारे यहाँ पर माइक में हमारी यहाँ से ऑडियो हमारी निकलेगी दोस्तों, हम उसे आपको अभी चेक करा देते हैं।
इसकी हम यहाँ पर अपना प्लग लगाएंगे 12 वोल्ट वाला। हेलो 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 चेक। अभी दोस्तों हम इसका ऑडियो चेक कराएंगे, आवाज़ फुल कर लेते पहले। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो। हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आवाज़ निकल रही है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। आप दोस्तों इसके थ्रू अपने 4440 के एम्पलीफायर पे भी अपना माइक आराम से बजा सकते हो। जैसे कि आपको अगर किसी के लिए एम्पलीफायर बना के देना है दोस्तों 12 वोल्ट, जैसे कि आपको बैटरी से बजाना हो तो बैटरी के मतलब का आपके इको सिस्टम के लिए आपको ये वाली प्लेट एकदम बेस्ट रहेगी दोस्तों। अगर आप बैटरी से बजाना चाहते हो दोस्तों ये प्लेट काफ़ी ईजी, मतलब काफ़ी सस्ती भी, ज़्यादा महंगी नहीं है ये दोस्तों। आपकी मेन बात होती है 12 वोल्ट से ही आराम से काम करती है, ठीक है दोस्तों। आपकी 12 वोल्ट से ही हमारी चल रही है। जैसे ये वाला हमारा माइक हो, आपको यहाँ पर 4440 की अपनी ऑडियो दे देनी है, जो हमारी 4440 के कार्ड की, जो हमारी 4440 के एम्पलीफायर के दोस्तों एम्पलीफायर बोर्ड के पीछे से हमारी जो ऑडियो निकलती है दोस्तों, आपको सिंपली उसमें से ऑडियो यहाँ पर दे देनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप मोबाइल की ऑडियो देते हो वैसी आपको इसकी ऑडियो उसमें कनेक्ट कर देनी है, उसके बाद आपका माइक एकदम प्रॉपरली काम करने लगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। कोई वीडियो बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देगा ये दोस्तों। इसके मैं रुपये बता दूँ दोस्तों कितने रुपए, ये दोस्तों मेरे लिए सिर्फ 300 रुपए की पड़ी थी, बल्कि हमें पड़ी थी 285 रुपए, तो 300 ही इसे पूरा मानना। वो 20 रुपए का हमें सॉकेट देता है आदमी, जैसे हमारा ये वाला आप जो सॉकेट दे रहे हो माइक का, ये वाला 20 रुपए का सॉकेट देता है। फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई जरूर होगी, इसलिए दोस्तों लाइक जरूर कर देना। वो 4440 के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट प्लेट है, अगर आप 4440 में माइक बजाना चाहते हो तो।